2 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ी यात्रा नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे। उदयपुर के चिंतन शिविर के समापन पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो के नारे के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए इस जन अभियान की घोषणा की थी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस अभियान में होंगे। शामिल पार्टी सूत्रों के अनुसार 5 महीने की यात्रा जो 3500 किलोमीटर और एक दर्जन से अधिक राज्यों की दूरी तय करने वाली है, कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर में समाप्त होगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेंगे, जिसमें पदयात्रा, रैलियां और जनसभाएं भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि इस जन अभियान में समान विचारधारा वाले दल, सदस्य और नागरिक समाज के संगठन भी शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित विभिन्न नागरिक समाज के कई सदस्यों ने यात्रा की घोषणा के बाद से पहले ही पार्टी से संपर्क किया है। हालांकि कांग्रेस अपने तंत्र पर काम कर रही है, समान विचारधारा वाले दलों को जोड़ने की तैयारी। इस बीच AICC महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी घोषणा की कि राजस्थान में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान अपनाए उदयपुर घोषणा पत्र के फैसलों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शिविर आयोजित करेगी। पार्टी की घोषणा के अनुसार कांग्रेस सभी समान विचारधारा वाले दलों तक पहुंच जाएगी और गठबंधन के लिए तैयार है। घोषणा में कांग्रेस पार्टी ने 3 नए विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है, सार्वजनिक, अंतर्दृष्टि, चुनाव प्रबंधन और राष्ट्रीय प्रशिक्षण। पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें संगठन के सभी स्तरों पर 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 50% प्रतिनिधित्व प्रदान करना शामिल है। किसी भी व्यक्ति को 5 साल से अधिक समय तक एक पार्टी में नहीं रहना है। नए लोगों को अवसर और एक व्यक्ति, एक पद, एक परिवार, एक टिकट नियमों को लागू करना और पार्टी के 5 साल के कम के बाद ही परिवार के दूसरे सदस्य के लिए टिकट जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।